शिवसेना के उपविभाग प्रमुख राम यादव के मार्गदर्शन में रामनवमी का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रेखा राम यादव जी भी लगातार जगह जगह दर्शन करने हेतु लोगों तक पहुंच रही थी। लगभग कई वर्षों से इस तरह का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें शोभा यात्रा एवं 4 से 5 हज़ार लोगों के लिए भंडारा किया जाता है। देश में आज रामनवमी के त्यौहार मनाया जा रहा है, बतौर सांसद देखा जा रहा है, आप हर मंच पर आप पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन आप जो है हर मंच पर जाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान के जितने भी देवी देवता है, जहां पर भी कार्यक्रम होता है लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। हिंदुत्व का कार्यक्रम जहाँ पर भी होगा लोग मुझे बुलाएंगे, मैं वहाँ पर जाऊँगा। आज की तारीख में भी फिर शिंदे जी का, सेना बाला साहब ठाकरे जी का हो, तो उद्धव ठाकरे जी के सेना के लोग बुलाएंगे, वहाँ पर भी जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे वोट दिया है, मेरे लिए काम किया है इतना दिन, तो मेरा फर्ज बनता है। और सब ये सब कौन है, ये सब हिंदुत्ववादी लोग हैं, और इसलिए हिंदुत्व जहाँ पर है वहाँ पर आपको गोपाल चट्टी दिखेगा। और हिंदुत्व यानी खाली माथे पे केसरी टीका लगाने वाले हिंदुत्व नहीं, जो हिंदुस्तान को मानने वाले वो सब मेरे लिए हिंदू है। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, जो लोग इस जीवन पद्धति को स्वीकार के काम करते हैं उनके सबके कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, इसका मुझे बड़ा आनंद आता है। रामनवमी का मौका है, ऐसे में रामनवमी के अवसर पर सभी राम भक्तों को मैं शुभेच्छा दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। ओम साई मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी राम यादव, उनके सभी साथियों का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। गत 11 साल से इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, भंडारा करते हैं, 4 हज़ार लोग इस भंडारा में प्रसाद लेने के लिए आते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लगातार 11 साल तक इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहना, ये मैं मानता हूँ यही हिंदुत्व की ताकत है। इसमें कोई फिर पार्टी वार्टी देखा नहीं जाता है, जहाँ पर भगवान दिखा वहाँ पर खड़े हो जाने का ये मेरा स्वभाव बना है, और ये सभी हिंदुओं ने इस प्रकार का स्वभाव अपना बना लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सांसद जी ने बताया कि काफी वर्षों से आप इस तरह का आयोजन करते रहते हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर जो शानदार आपने आयोजन किया? देखिए, ओम साई मित्र मंडल पिछले गत 11 सालों से ये साई भंडारा, रामनवमी, ये सब कार्यक्रम यहाँ पर करता है MHB कॉलोनी बिल्डिंग नंबर 6 में। और आज आपने देखा होगा कि हमारे कार्य सम्राट आमदार
प्रकाश दादा सुर्वे भी इस कार्यक्रम में आए, राज सुर्वे भी इस कार्यक्रम में आए, गोपाल शेट्टी जी आए, हमारे सुनील राणे जी आए, यानी सर्व सभी मतलब हिंदू भाई जो हिंदुत्व को मानते हैं ऐसे सभी लोग यहाँ पर आज बाबा के चरणों में दर्शन देके गए हैं, प्रभु श्री राम जी से उनका आशीर्वाद लेके गए हैं। तो आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम दीना यादव और उनके सभी विजय दबे और अमय ऐसे तमाम लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या क्या चीज़ें यहाँ की जाती, तैयारियाँ कैसी रहती? और यहाँ पर लगभग हर साल 5000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर भंडारा किया जाता है, और जैसे मेडिकल कैंप, आई चेकअप कैंप और एम्बुलेंस की सेवा, ऐसे तमाम सार्वजनिक काम मतलब जो लोक हित में हो ऐसा इस बिल्डिंग नंबर 6 के लोग यहाँ पर करते हैं। और हर साल मेरा जो सहयोग होता है मैं करता हूँ एक आयोजक के नाते, और रेखा यादव और उनकी पूरी टीम, पूरी महिला मंडल सभी धूमधाम से ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। दोनों एक साथ हो रही है, शानदार आयोजन राम भाई के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हो रहा है, क्या कहें? सबसे पहले मैं अपने जेठ को, दीनानाथ यादव हमारे जेठ लगते हैं, मैं उनका बहुत दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि वो उन्होंने मिल के और उनके पदाधिकारियों ने मिलकर इतना बड़ा शानदार आयोजन उन्होंने किया है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। राम भाई के बारे में कुछ बोलिए। उनके बारे में जो सहयोग लगता है वो भी करते हैं और हम भी करते हैं, हमारी महिला टीम भी खड़ी रहती है उसके लिए।